Did you murder? यार अम्मा को देख जी साहब अम्मा जी संभल कर इधर किधर अपने घर जा रही हूँ आपका घर इधर है इन बदमाशों की बस्ती में नहीं तो फिर मैं बिलावर हाउस में रहूंगी क्या अम्मा जी इनसे कहिए ना हमें जाने दे अम्मा जी खड़ा मुर्गा बन इन लोगों को क्यों पकड़ा हुआ है बेचारों को कितनी भोली सूरत है इन लोगों की हाँ अरे अम्मा जी इनकी भोली सूरत पे मत जाइए ये मंशियात बेचते हैं हीरोइन चर्स अफीम इन लोगों को तो फिर उल्टा लटका देना चाहिए टांगे तोड़ देना चाहिए इसीलिए हमने पाकिस्तान बनाया था मेरा बस चले था इन लोगों को मैं अरे अम्मा जी आप रहने दीजिए हम खुद ही देख लेंगे खुद ही देखेंगे इनको आप तो घर जाइए आराम करें बल्कि मैं कांस्टेबल को बोल देता हूँ वो आपको बाइक पे घर छोड़ देगा अच्छा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी बस 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 बेटा अम्मा देख के उतरिएगा अम्मा बस अम्मा देख के उतरिएगा ना अम्मा जी ये थैला आप मुझे दे दीजिए मैं आपको घर के अंदर तक छोड़ देता हूँ नहीं बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं तुमसे चाय भी नहीं पूछ पा रही अरे नहीं नहीं अम्मा जी बस आप दुआ कीजिए अल्लाह पाक मुझे एक बेटा दे दे बहुत बदनसीब शख्स हूँ मेरी तीन बेटियाँ हैं जैसे मेरी बीवी को कोई बद्दुआ हो बेटियाँ जन्ने की ऐसा नहीं कहते बेटा बेटियाँ तो रहमत होती हैं बाबुल के अंगना तुम्हारे लिए तहज्जुद में दुआ करूँगी मैं कि अल्लाह चांद सा बेटा दे नसीबों वाला अम्मा जी आप जैसे नेक सीधे सादे बुजुर्गों की दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह अच्छा जी अम्मा अल्लाह की इबादत बहुत शुक्रिया अम्मा बहुत शुक्रिया अल्लाह अल्लाह पनीर कौन गणेश किसने भेजा है देख चू चू चूजे कामर गणेश को कौन भेज सकता है मलिका मलिका इनकाउंटर चुप बाहर चुप आवाज आई ना तेरी काट के रख दूंगा तन्ना चुप इतनी जोर जोर से मारे आप मेरी जान निकले जा रही है आप कह रहे हो कि आवाज निकालो चल अब आराम से मारूंगा कसम से बस आवाज ना आवे तेरी ये क्या तमाशा लगा रखा है ताजी मेहमानों के साथ ऐसा सलूक थोड़े ही करते हैं ये खाम खा चीख रहा ये हाथ में ज्यादा दर्द हो रहा मैं तो नहीं चीख रहा
तेरी कौन है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ करते। मैंने मजबूरी नहीं की, मैं कसम खाता हूँ। कसम माता जात। आपके बंदों ने मुझे मार मार के अधमरा कर दिया है। अब तेरी वजह से हवालात में हमारे लोगों को मारा, उसका क्या? हाँ, बोल बोल। पुलिस वालों ने मार मार के उनकी चमड़ी उधेड़ दी, उन्होंने सी तक नहीं किया। और तुझसे इतनी सी मार बर्दाश्त नहीं होते? नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मरिया। नहीं 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 मरिया, नहीं मल्लिका। सारा दूध गिरा दिया। हाँ तो किसने कहा था मलका आलिया कि तुम लोगों को बांटो? हमारे घर में तो रिजिक का ढेर लगा हुआ है, कारून का खजाना है। ओ तेरे ये फालतू का वजूद है ना, ये भी हम पाले और तेरी सहेलियों को भी पाले। मनहूस अम्मा, कनीज भूखी थी, थोड़ा सा दूध दे देते तो बरकत हो जाती घर में। बरकत? अरे इस बदबख्त मुँह से तू बरकत का लफ्ज निकालेगी? अरे चल इधर से, दफा हो, तू तो मेरे बेटे को खा गई बार। अरे तूने तो मेरे बेटे को भी खुशी नहीं दी, जीते जी एक औलाद की खुशी दे देती। अरे दफा हो जा, तू क्या देगी मनूर? बांज गई के? सब रब की मर्जी है ना, मैं अपनी मर्जी से तो बांझ नहीं हुई हूँ, अपनी मर्जी से बेवा नहीं हुई हूँ। मैंने नहीं कहा था कि बड़े सरकार के लिए मंशियात बेचे और गोली खा के मर जाए।
ओ बदबخت, जबान खींचने के गुद्दे से अगर मेरे से जबान चलाई तो तू मर जा, दफा हो जा, गड़क हो जा मेरी नजरों से। जब मेरी सुनता तो कब की मर गई होती। रोज तो है मांगती मरने की, कबूल नहीं होती। अब बस बस, अब ज्यादा बिचारी न बन कि कब की मर चुकी होती। ये जो तूने आज जाया किया है ना, आज तेरे को खाना नहीं मिलेगा और तू इसी तरह रे कनीस की तरह भूखी रे, मर जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। गरक हो जा, मरू। मरिया, मेरी वजह से तुझे अपनी सास से कितना सुनना पड़ता है ना बेटा। क्या फर्क पड़ता है माँ, उसने तो बस सुनाना है ना। जलील करना है चाहे तुम्हारे नाम पे करे चाहे किसी और के नाम। देख मेरे शौहर ने मुझे कौन सा सुख दिया, जब तक वो जिंदा रहा मेरी हड्डियों का सुरमई बनाता रहा। लेकिन तू परेशान ना हो मरी, मेरा दिल कहता है कि तेरे दिन जरूर बदलें। कैसे? ऐसे शब्बीर ने जीते जी तेरी कदर ही नहीं की। उसके मरने के बाद भी उसकी मां की खिदमत में दिन रात एक करती हूं। इसके बदले मिलता क्या है तुझे? सास की गालियां और मार। अम्मा कहती थी मेरी लड़की बड़ी होशियार है, लेकिन नसीब के सामने किसी की होशियारी नहीं चलती। एक बशीर ही था मेरा, उसे भी छीन लिया मुझसे। अब भी उसका नाम इतने प्यार से लेती है ना, खून खोल जाता है मेरा। तो क्या और है ही कौन मेरा? एक वो ही तो था जिसने मुझसे इतना प्यार किया मेरे पांच होने के बावजूद। और मैं कुछ नहीं लगता तेरा? क्या तुझे मुझ पे एतबार नहीं है? जो तुझ पे एतबार है वही मुझे अपने नसीब पे नहीं है। वैसे भी तुझ पे कौन सा हक है मेरा? और जल्द सारे हक दे दूंगा तुझे, पका कर ले जाऊंगा तुझे दुल्हन बनाकर। बड़े सरकार, भरोसा रख मुझ पे। किसी को इस बात का शक कि इस इलाके की शान
काली कोठी की वजह से हुए। नहीं सरकार, काली कोठी के तख्त के होते हैं। तुम में से कौन है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा? कोई नहीं सरकार। तो जोर से बोलो, बड़े सरकार, 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 बड़े सरकार। इस कुत्ते को किसने बोटी डाली है जो ये काली कोठी तक भौंकने चला है? मेरा कैमरा मुझे दे दो। कौन है तू? बता दे, नहीं तो काला भाई देख रहा, उसको बोल के जब फिर डलवा दूंगा तैं अगला सांस नहीं मांगेगा। ये क्या कर रहा है? मेहमान के साथ ऐसा सुलूक? ना बाबा ना, जाओ कोई पानी वानी पिलाओ इसको। मेरा कैमरा मुझे वापस दे दो। अरे ना ना ताजी ना, महंगी चीज है, खराब हो जाएगी, हमें भी दिखा। कैसे चलेगा भैया, तुझे आता चलाना? ना सरकार। अबे तो चूतिये को देना जिसका है। बड़े सरकार पूछे ये कैसे चले गए? ओ भाई, इधर सारे पुराने लोग रहते हैं, उन्हें ये चीज समझ नहीं आएगी, सीधी तरह बता। बड़े सरकार, वो छोटे सरकार को ये चीजों का शौक हो गया, आप बोलो तो छोटे सरकार को दे आऊं। राजे के घर में एक भांड मरासी पैदा हो गया, ठीक है जा जाके दिखाओ उसे। सरकार यो इसके साथ क्या करना है? पागल कुत्ते के साथ क्या करते हैं? सरकार रहम कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं ये सारा सारा सब छोड़ दूंगा, सब कुछ डिलीट कर दूंगा, मुझ पे रहम कर दे सरकार। सरकार